हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। उम्मीद करते हैं गाइस आप सभी ठीक होंगे। गाइस आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं अपकमिंग बजाज पल्सर 250F के बारे में। गाइस यहां पे 250F के लॉन्च होने के जो चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, बजाज पल्सर 250F को टेस्टिंग के दौरान देखा गया है, जो कि आप लोग फोटोज़ में देख ही पा रहे होंगे। गाइस इसमें आप लोगों को क्या क्या चेंजेस मिलने वाले हैं, क्या क्या न्यू चीज़ें आपको बाइक में मिले, क्या क्या स्पेसिफिकेशन रहने वाले हैं, जो कि चीजें सामने आई है उसके बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं, न्यू 250F न्यू कॉन्सेप्ट के बारे में। तो चलिए दोस्तों आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचते रह सके और आप मेरे वीडियो से अपडेट रह सके। चलिए दोस्तों आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बात करते हैं बजाज पल्सर 250F के बारे में कि ये कब तक लॉन्च होगी। देखिए दोस्तों, फिलहाल मैं आप लोगों को बता दूं, ये चीज़ तो सामने नहीं आई है कि कब तक लॉन्च होगी, लेकिन हाँ बाइक को टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। एंड आप एंड मैं सभी जानते हैं कि भाई बजाज जो 220F आती है गाइस, वो काफ़ी ज़्यादा ओल्ड हो चुकी है, तो ऑब्वियसली बात है भाई बजाज इसमें चेंजेस करने वाला है। हाँ भाई, इसमें चेंजेस तो 110% होने वाला है। अब जो फोटो सामने आई गाइस उसके हिसाब से बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे बाइक के इंजन के बारे में। इस बाइक में आपको 248.8 सीसी का इंजन देखने को मिलने वाला है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, बाइक अभी भी ऑयल कूल इंजन आएगा, लिक्विड कूल इंजन आपको बाइक पे नहीं मिलने वाला। मैक्सिमम पावर में इस बाइक में आपको लगभग 24 BHP के आसपास का पावर देखने को मिल सकता है, 24 PS के आसपास का पावर एंड 17 से 18 का टॉर्क आपको इस बाइक में देखने को मिल सकता है। नंबर ऑफ 6 स्पीड गियरबॉक्स बाइक में डिजाइन किया जाएगा। ध्यान रखिए यहाँ पे आपको स्लीपर क्लच नहीं आएंगे, नॉर्मल वेट मल्टीप्लेट क्लच आपको बाइक में देखने को मिलेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक चीज कंफ्यूजन हो रही है कि 6 गियर आएगा या नहीं आएगा, तो मैं आपको बता दूं 24 PHP की पावर है, 24 PS की पावर है, तो 100% 6 गियर तो आपको बाइक में मिलने ही वाले। लेकिन हाँ मैं आपको ये क्लियर कर दूं, बाइक में आपको लिक्विड कूल इंजन शायद ही देखने को मिलेगा। सेकेंड थिंग दोस्तों, अगर बात करें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज हाईलाइट हो रही है, वो हो रही है बाइक की हेडलाइट। अगर आपकी बाइक की हेडलाइट अच्छी तरीके से देखेंगे तो आपको बाइक में फुली LED व्हाइट लाइट देखने को मिल रही है। जी हाँ, फुली LED व्हाइट लाइट आपको टेस्टिंग के दौरान बाइक में देखने को मिल रही है। साथ में दोस्तों मैं आपको बता दूं, बाइक में आपको वही इंडिकेटर्स देखने को मिल रहे हैं जो कि RS में आते हैं और KTM की बाइक्स में आते हैं, सेम वही इंडिकेटर्स आपको बाइक में देखने को मिलेंगे। साथ में दोस्तों मैं आपको बता दूं, बाइक में दोस्तों जो एग्जॉस्ट है इस बार उसको भी चेंज किया जाएगा, फुली न्यू कॉन्सेप्ट आप कह सकते हो। बाइक का जो एग्जॉस्ट है गाइस वो डुअल मफलर शायद देखने को मिल सकता है, जो कि मेरे हिसाब से काफी लाउड रहेगा कंपेयर टू 220 है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं बाइक का जो प्राइस होने वाला है, क्या एक्सोरूम प्राइस जाएगी, तो लगभग मान लीजिए 1,40,000 1,40,000 रुपए के आसपास की एक्सोरूम प्राइस जा सकती है, और ऑन रोड प्राइस लगभग मान लीजिए 170 से 175 के आसपास की ऑन रोड प्राइस आपको बाइक में देखने को मिलेगी। फ्रंट लाइट आपको जो मिल रही है गाइस वो प्रोजेक्टर लाइट है, जो कि फुली LED रहेगी। रियर में आपको टेल लाइट में भी इसमें LED देखने को मिल रही है। दोस्तों अगर स्पीडोमीटर के बारे में बात करें, तो फिलहाल दोस्तों टेस्टिंग के दौरान जो बाइक देखी गई है उसमें स्पीडोमीटर बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि कौन सा डिजिटल है, एनालॉग विद डिजिटल है, क्या मीटर है, कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन 99% चांसेस है कि आपको बाइक में फुली डिजिटल मीटर देखने को मिल सकता है, क्योंकि आप लोगों को पता ही है दोस्तों कि आजकल जितनी भी कंपनीज अपनी बाइक उतार रही है सभी यहाँ पे फुली डिजिटल मीटर के साथ में बाइक को लॉन्च कर रही है, तो ऑब्वियसली बात है भाई बजाज को भी इस चीज में थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। अगर ओवरऑल डिजाइन के बारे में बात करें, तो फ्रंट में आप देख पा रहे होंगे बाइक में आपको काफी बड़ी विंडशील्ड स्क्रीन देखने को मिल जाएगी, जो कि काफी अच्छा प्रोटेक्शन रहेगा अकॉर्डिंग टू अगेंस्ट टू विंड, उसमें काफी अच्छा आपको इसमें प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगा। एंड मैं आपको बता दूं गाइस, इस बार जो बाइक की फेयरिंग होने वाली है उसमें भी थोड़ा सा चेंजेस किया जाएगा। फेयरिंग आपको थोड़ी सी ज्यादा बेटर मिलेगी कंपेयर टू 220F, क्योंकि ऑब्वियसली बात है भाई यहाँ पे 220F जो है जो आ रही है अभी वो थोड़ी सी बहुत पुरानी हो चुकी है। अब 250F आएगी तो न्यू कॉन्सेप्ट के साथ में आएगी, तो आपको इसमें नई चीजें देखने को मिलने वाली है। अगर दोस्तों बात करें बाइक की लॉन्च डेट के बारे में, तो मैं आपको बता दूं इस बाइक को नेक्स्ट ईयर जनवरी के आसपास यानी फर्स्ट मंथ या सेकेंड मंथ में ही लॉन्च किया जाएगा बजाज की तरफ से। अब देखते हैं कि कब लॉन्च किया जाएगा ऑफिशियल, बट हाँ बाइक को टेस्टिंग के दौरान देखा गया तो ये बात कंफर्म हो चुकी है कि बाइक आपको बहुत जल्द देखने को मिलने वाली है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को आज की इंटरेस्टिंग वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल के आइकन को ऑन कर लेना, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचते रह सके, ना पर वीडियो अपडेट रह सके। जय हिंद, वंदे मातरम।